गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा एक नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है रीट। मतलब इसे शॉर्ट में क्या बोला जाता है, रीट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या है, अब हमें इस चीज के बारे में पढ़ना है। एंड जो थर्ड चैप्टर है वो इनविट है, दैट मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो दोनों चैप्टर लगभग एक जैसे आपको मिलेंगे, लेकिन जो रियट है वो ज्यादा आसान है। इंफ्रास्ट्रक्चर में फिर भी आपको कुछ ज्यादा पढ़ाया गया है, लेकिन रियट में आपको कुछ ज्यादा पढ़ाया नहीं है। मतलब मैं इस तरह से कह सकता हूं कि ट्रस्ट बनाने का जो प्रोसीजर है, उससे रिलेटेड जो चीजें दी गई है वो कहाँ दी गई है, रियट में दी गई है। और उससे थोड़ा सा आगे बढ़ के जो टॉपिक है वो कहाँ दिए गए हैं, वो चैप्टर नंबर 3 में दिए गए हैं, दैट मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो टॉपिक हमारा इसी चीज के ऊपर है, बात हमें इसी चीज की करनी है कि रियट क्या है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या है। एक छोटा सा टॉपिक भी था आपके चैप्टर नंबर 15 में, सिक्योरिटी लॉ में एक छोटा सा टॉपिक भी आपको पढ़ाया गया था कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब नाम से ही क्लियर है कि ऐसा ट्रस्ट जो किस में इन्वेस्ट करेगा, रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करेगा। नाम से इतना तो समझ में आ ही रहा है ना हमें कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का मतलब क्या है, कि ऐसा ट्रस्ट जो कहाँ इन्वेस्ट करेगा, सर, जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करेगा। बट ये बनेगा कैसे, कैसे इसकी वर्किंग होगी, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व होगा, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। तो इसको नॉर्मल एक छोटे से एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। जैसे आप सब लोगों ने क्या पढ़ा था, म्यूचुअल फंड पढ़ा था, ठीक है। म्यूचुअल फंड सब लोगों ने पढ़ा था, तो बताना म्यूचुअल फंड क्या था। सर, म्यूचुअल फंड भी एक ट्रस्ट था। म्यूचुअल फंड में क्या था सर, एक स्पॉन्सर था। म्यूचुअल फंड में क्या था सर, एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी थी। और म्यूचुअल फंड में सर एक इन्वेस्टर था जिसने इस ट्रस्ट की यूनिट्स में पैसा लगाया था। सर यही था ना, म्यूचुअल फंड क्या पढ़ा था हमने, म्यूचुअल फंड हमने पढ़ा था कि सर म्यूचुअल फंड किस फॉर्म में सेटअप होता है, ट्रस्ट की फॉर्म में सेटअप होता है। म्यूचुअल फंड क्या करता था सर, म्यूचुअल फंड अपनी यूनिट इश्यू करता था किसको, इन्वेस्टर्स को जो पैसा लगाते थे किसमें, म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में। था तो म्यूचुअल फंड भी क्या, ट्रस्ट। ट्रस्ट की क्या थी, यूनिट थी। उस यूनिट में इन्वेस्ट किसने किया था, इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया था सर। इन्वेस्टर ने क्या किया था, पैसा लगाया था उन यूनिट्स में। म्यूचुअल फंड को सेटअप करने वाला कौन था, एक स्पॉन्सर था सर। तो स्पॉन्सर की एक कैटेगरी थी, स्पॉन्सर का एक बेसिकली क्राइटेरिया था कि स्पॉन्सर बनने के लिए ये चीजें जरूरी। और एक एएमसी थी, दैट इज कॉल्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनी थी। अब ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या कर रही थी, ये मैनेज कर रही थी म्यूचुअल फंड की एसेट्स को। अब म्यूचुअल फंड ने पैसा तो कलेक्ट कर लिया, म्यूचुअल फंड के पास क्या आ गया, म्यूचुअल फंड के पास सर मनी आ गई, पैसा आ गया। इस म्यूचुअल फंड इस पैसे को क्या कर रहा था, पैसे को इन्वेस्ट कर रहा था। म्यूचुअल फंड क्या कर रहा था, इस पैसे को इन्वेस्ट कर रहा था कहां पे, सिक्योरिटी मार्केट में, मनी मार्केट में, इवन फॉरेन मार्केट में। तो अलग-अलग जगह बताई गई थी ना आपको कि एक म्यूचुअल फंड कहाँ कहाँ पैसा लगा सकता है, ये पढ़ा था ना आपने, एक म्यूचुअल फंड कहाँ कहाँ पैसा लगा सकता है। तो ये हमने म्यूचुअल फंड का चैप्टर पढ़ा था पूरा, और म्यूचुअल फंड के बारे में हमने बहुत सारी बातें पढ़ी थी एग्जीक्यूटिव। लेकिन हालांकि बहुत से बच्चों का ये फीडबैक होता था म्यूचुअल फंड के चैप्टर को लेके कि सर ज्यादा समझ में नहीं आया है म्यूचुअल फंड, क्यों, क्योंकि एक थोड़ा सा अलग जाके टॉपिक हो जाता था। बट हाँ, बेसिक सबका क्लियर हो जाता था कि सर म्यूचुअल फंड किस फॉर्म में सेटअप होता है, सर ट्रस्ट की फॉर्म में सेटअप होता है, सर म्यूचुअल फंड क्या इशू करता है, म्यूचुअल फंड कुछ नहीं इशू करता, वो जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट यूनिट इशू कर सकता है। अच्छा, म्यूचुअल फंड की स्कीम तो दो तरह की होती थी, एक ओपन एंडेड और एक क्लोज एंडेड। और हम कहते थे क्लोज एंडेड के लिए लिस्टिंग मैंडेटरी है, हम क्या कहते थे, क्लोज एंडेड जो यूनिट होती थी इनके लिए क्या है, इनके लिए लिस्टिंग मैंडेटरी होती थी, ओपन एंडेड के लिए नहीं थी सर। ओपन एंडेड के लिए नहीं थी क्योंकि म्यूचुअल फंड की स्कीम दो तरह की होती थी। अब हम बात कर रहे हैं किसकी सर, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की। हम किसकी बात कर रहे हैं,
रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की। अब क्या म्यूचुअल फंड रियल एस्टेट में कर सकता था? सर बिल्कुल कर सकता है, म्यूचुअल फंड भी तो रियल एस्टेट में कर सकता है, बट म्यूचुअल फंड की जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज है वो अलग अलग होती है। यानी म्यूचुअल फंड किसी एक चीज में इन्वेस्ट करने के लिए नहीं बनाया जाता है। एक म्यूचुअल फंड अगर बनेगा तो उसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज बहुत सारी तरह की होंगी, वो काफी तरह की सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट कर रहा होगा, कौन? म्यूचुअल फंड। लेकिन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, REIT, दैट इज कॉल्ड रीट कह सकते हैं हम इसे, REIT कह सकते हैं, जैसा आपका मन करे। तो रीट क्या कर रहा है? रीट तो नाम से क्लियर है सर, रियल एस्टेट। यानी रीट किसमें पैसा लगाएगा? रीट सिर्फ रियल एस्टेट में पैसा लगाएगा, सिर्फ रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में पैसा लगाएगा। अब ये रियल एस्टेट क्या है, अब इस चैप्टर के लिए अलग होगा, क्योंकि रेरा में रियल एस्टेट अलग था, यहां रियल एस्टेट अलग होगा। प्रॉपर्टीज का मतलब यहां पे क्या है, क्योंकि यहां पे इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए करना है। तो ये सारी चीजें हमें समझनी है कि रीट दैट इज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या है, ये किस तरह की प्रॉपर्टीज में पैसा लगाने वाला है। लगाने तो देखो रियल एस्टेट वाली में ही वाला है, इसके अलावा तो कहीं नहीं जा रहा है। ये लगा तो रियल एस्टेट में ही पैसा रहा है, लेकिन लगाएगा कहाँ, ये बड़ा जरूरी है, यही चीज हमें समझनी है। अब म्यूचुअल फंड की तरह रीट भी क्या होगा? रीट का एक स्पॉन्सर होगा। स्पॉन्सर क्या करेगा? सेटअप करेगा सर क्या? ट्रस्ट। इसका मतलब ये भी किस फॉर्म में है? ट्रस्ट की फॉर्म में। रीट में भी स्पॉन्सर है म्यूचुअल फंड की तरह, जैसे म्यूचुअल फंड में स्पॉन्सर था ऐसे ही रीट में भी क्या है? स्पॉन्सर है। अब ये क्या करेगा? ये ट्रस्ट में पैसा लगा, ये ट्रस्ट सेटअप करेगा। अब ट्रस्ट क्या करेगा? अपनी यूनिट्स इश्यू करेगा। यूनिट्स किसको देगा सर? इन्वेस्टर को देगा। इन्वेस्टर क्या देगा सर? इसके बदले में मनी देगा। अब वहां क्या था सर? एसेट मैनेजमेंट कंपनी थी जो मैनेज कर रही थी ट्रस्ट की प्रॉपर्टीज को मैनेज करने के लिए। यहां पे डायरेक्ट मैनेजर वर्ड लिखा है, डायरेक्ट क्या लिखा है? मैनेजर वर्ड लिखा है। ये भी कंपनी भी हो सकती है, LLP भी हो सकती है, लेकिन डायरेक्ट वर्ड यूज किया है, डायरेक्ट वर्ड। ठीक है, दैट मीन्स एसेट मैनेजमेंट कंपनी वर्ड यूज नहीं किया, या CIMC की तरह, मतलब कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी वर्ड यूज नहीं किया। इन्होंने यूज किया है वर्ड क्या? मैनेजर। क्या वर्ड यूज किया है? मैनेजर वर्ड यूज किया है। ठीक है, अब रियल एस्टेट क्या है? रियल एस्टेट सर एक बहुत बड़ा सेक्टर है। अब थोड़ा सा हम बेसिक पे आते हैं कि सर देखो हर चीज के दाम लगातार क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे। देखो आपकी मम्मी से, आपने पापा से, आपने किसी से भी सुना होगा कि जब हम छोटे थे सोना 3,000 रुपये का 10 ग्राम आ जाता था, यानी 1 तोला सोना कितने में आ जाता था? 3,000 4,000 में आ जाता था। मतलब उतना नहीं लग रहा है हमें कॉस्टली आज के टाइम पे। आज के टाइम पे बच्चे बर्थडे पार्टी में 2-3 हज़ार रुपये नॉर्मली खर्च कर देते हैं, तो 3,000 रुपये का उस टाइम क्या आ जाता था? 10 ग्राम सोना आ जाता था। आज कितने का है? फॉर एग्जाम्पल मान लो 55,000 रुपीज का है 10 ग्राम। तो सोने की वैल्यू क्या हो गई? देखो उस टाइम पे, अगर ये कब बता रहा हूं मैं, ये मान लो ये है 90s में, और ये मैं बात कर रहा हूं कब? 2023। 1990 से 2023 में 3,000 से 55,000 हो गए। लेकिन वहीं अगर आप रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज की वैल्यू देखो ना, पहले क्या होता था? 40,000 से 50,000 में आपको 200-250 गज का मकान मिल जाता था, मतलब प्लॉट टाइप मिल जाता था 40-50 हज़ार रुपए में। आज अगर आप देखो तो 70-80 लाख रुपए वैल्यू रखी है अच्छी जगह पे, इवन करोड़ों रुपए में प्रॉपर्टीज की वैल्यू। या पिछले 10 साल की बात करें ना, तो पिछले 10 साल में भी प्रॉपर्टीज की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ी है। पिछले 10 साल में भी प्रॉपर्टीज की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ी है। जबकि आप किसी और जगह में पैसा लगाओगे 20% रिटर्न मिल जाएगी, 30% रिटर्न मिल जाएगी, लेकिन रियल एस्टेट में आपको अनलिमिटेड रिटर्न मिलती है। इसका रीजन क्या है? कि प्रॉपर्टी लिमिटेड है। प्रॉपर्टी क्या है? लिमिटेड है। इंसान के रहने लायक जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? लिमिटेड है। क्या वो प्रॉपर्टी बढ़ सकती है? भाई हम यूं कहे धक्का मार के घर को सरका दे, यार घर पे मेंबर बढ़ गए हैं, चलो धक्का मारा और घर सरका के बड़ा कर लिया, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि इंसान बढ़ रहे हैं,
प्रॉपर्टी घट रही है, घट इन द सेंस क्योंकि इंसान बढ़ रहे हैं तो बंटवारा ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जहां पे लोगों के 400-500 गज के मकान होते थे, गांव एरिया की बात करूं छोटे शहरों की बात करूं, वहां पे मकान 100 गज पे आ गया है। मतलब देखो प्रॉपर्टी कितनी कम हो गई है पर पर्सन, और वो उतनी ही महंगी भी होती जा रही है। क्यों? क्योंकि रहने के लिए घर तो चाहिए। अब चाहे आप छोटा सा घर भी खरीदना चाहोगे तो उसके लिए आपको एक अच्छी खासी अमाउंट देनी पड़ेगी। उसके लिए क्या देनी पड़ेगी? अच्छी खासी अमाउंट देनी पड़ेगी। अब मतलब सिर्फ यही है कि रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज की रिक्वायरमेंट तो रहेगी हमेशा, और इंसान के रहने के लिए प्रॉपर्टी भी लिमिटेड है, ऑफिसेज बनाने के लिए प्रॉपर्टी लिमिटेड है, प्रोजेक्ट बनाने के लिए ऑफिस प्रॉपर्टी लिमिटेड है, तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू श्योरली बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है, अब आपने सुना है ना गुड़गांव जैसे शहर में लोग क्या करते हैं, गुड़गांव जैसे शहर में लोग जिनकी प्रॉपर्टी पुरानी पड़ी है वो क्या करते हैं, उन्होंने पीजी बना के सारे के सारा क्या कर दिया, रेंट पे चढ़ा दिया। यानी वो रेंटेड प्रॉपर्टी, रेंट की इनकम वहां से कमा रहे हैं उस प्रॉपर्टी से जो शायद उन्होंने बहुत कम पैसे में खरीदी थी। कब खरीदी थी? जब गुड़गांव डेवलप नहीं हुआ था। आज गुड़गांव में कोई प्रॉपर्टी लेके दिखा दे, आज गुड़गांव कितना महंगा हो गया, आज दिल्ली कितना महंगा हो गया, जिन्होंने पहले की प्रॉपर्टीज ली हुई है, ली हुई है, लेकिन आज के टाइम पे प्रॉपर्टीज लेना बहुत कॉस्टली हो गया है। तो बात यही कहना चाह रहे हैं कि प्रॉपर्टी लिमिटेड है और अनलिमिटेड रिटर्न आपको दे सकती है। प्रॉपर्टी क्या है? लिमिटेड है, रिटर्न आपको अनलिमिटेड वो दे सकती है। तो इसीलिए क्या किया गया, रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस बनाए। हालांकि हमारे में ये जो रेगुलेशंस है ये ज्यादा पुरानी नहीं है, बात तो बहुत पुरानी टाइम से है। मतलब सबसे पहले यूएस वगैरह ने इसे स्टार्ट किया, फिर हमारे देश में आते आते बहुत साल लगे क्योंकि हम यूएस से बहुत पीछे हैं, उनकी टेक्नोलॉजी उनकी सारी चीजें बहुत आगे है, हमें बहुत टाइम लग गया यूएस के बराबर। मतलब अभी तो हम बराबर कह ही नहीं सकते क्योंकि अभी तो हम बहुत पीछे चल रहे हैं। तो बात ये कह रहे हैं कि इंडिया ने भी क्या सोचा कि हम भी क्या करेंगे, हम भी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करने के लिए रीएट लेकर आएंगे। तो 2014 में फाइनली सेबी ने रेगुलेशंस इश्यू करी। किसके रिगार्डिंग? रीएट के रिगार्डिंग। 2014 में गवर्नमेंट ने फाइनली रेगुलेशंस इश्यू करी किसके ऊपर? रीएट के ऊपर। और उसके बाद से क्या हुआ, स्टार्ट हुए रीएट। अब क्या बात यह है कि क्या इंडिया में रीएट है? क्या इंडिया में रीएट है? बोले यस, इंडिया में तीन ही है फिलहाल, तीन या चार ही है, इससे ज्यादा फिलहाल नहीं है। अच्छा, इसके लिए मैंडेटरी है क्या होना, लिस्टिंग होना। मतलब आप ऐसे नहीं, जैसे म्यूचुअल फंड तो अनलिस्टेड हो सकता है क्योंकि म्यूचुअल फंड की क्लोज एंडेड स्कीम हो सकती है, जरूरी नहीं है म्यूचुअल फंड का लिस्ट होना, लेकिन रीएट का लिस्ट होना मैंडेटरी है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्लोज एंडेड ही है और कुछ नहीं है, यहाँ पे उस तरह की चीजें नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक ही तरह की चीजें हैं। तो बात अब यहीं से स्टार्ट होती है कि बेसिक से, बेसिक इन द सेंस कब स्टार्ट हुआ, सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ, हमारे देश में कैसे कैसे डेवलपमेंट हुई, कैसे कैसे हमारे देश में कोशिशें की गई क्या करने की, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशंस लेकर आने की, और फाइनली कब हमारे देश में रेगुलेशन आई है, और कैसे रीएट काम करता है। देखो काम तो आपको समझ में आ गया कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कैसे काम करता है। सबसे पहले एक स्पॉन्सर होगा, तो स्पॉन्सर का सर एक क्राइटेरिया होगा जो हमें देखना पड़ेगा, फिर रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है, ट्रस्ट सेटअप किया जाएगा। ये ट्रस्ट क्या करेगा, यूनिट इश्यू करेगा और पैसा रेज करेगा। इस पैसे से क्या किया जाएगा, रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज या तो खरीदी जाएंगी या उनमें इन्वेस्ट किया जाएगा, या तो खरीद ली जाएंगी या उनमें इन्वेस्ट कर दिया जाएगा, और प्रॉपर्टीज को इन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए वहां पे क्या होगा, एक मैनेजर होगा, क्योंकि ये डीमैट मोड में होंगी। तो डीमैट मोड में होंगी तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, डिपोजिटरीज के साथ एग्रीमेंट में भी एंटर करना पड़ेगा क्योंकि डीमैट लिस्टिंग मैंडेटरी है। लिस्टिंग क्या है? मैंडेटरी है, और लिस्टिंग मैंडेटरी है इसका मतलब डीमैट मोड में ही होगा। अब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट डायरेक्ट भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। देखो ये जो रियट है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है रियट, ये क्या कर सकता है, ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है और ये इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है, ठीक है।
इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, इसने किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट किया जो आगे रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करती है। मतलब एक तो रियट ने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करी है, डन, कहां पे, रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में। दूसरा इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो यहां पे आप दो टर्म पढ़ने वाले, यहां पे ना आपको दो टर्म पढ़नी है, क्या, एक होल्डिंग कंपनी। अब होल्डिंग कंपनी का मतलब कंपनी लो वाली कंपनी नहीं है, याद रखना, होल्डिंग कंपनी का मतलब कंपनी लो वाली कंपनी नहीं है, ठीक है, समझ में आया ना। होल्डिंग कंपनी का मतलब क्या नहीं है, होल्डिंग कंपनी का मतलब कंपनी लो वाली कंपनी नहीं है। तो इसे यहां पे शॉर्ट वर्ड भी यूज किया गया इसके लिए। देखो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये क्या कर सकता है, डायरेक्टली भी इन्वेस्ट कर सकता है, और दूसरा इनडायरेक्टली भी इन्वेस्ट कर सकता है। जब ये डायरेक्टली इन्वेस्ट करेगा, जब क्या करेगा, ये डायरेक्टली इन्वेस्ट करेगा तो ये खुद ही क्या करेगा, रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज ढूंढेगा और उसमें इन्वेस्ट कर देगा। तो ये तो डायरेक्ट है, डायरेक्ट में ज्यादा डाउट नहीं होता है क्योंकि वो डायरेक्ट जाके इन्वेस्टमेंट हो गई। इनडायरेक्ट में दो चीजें हैं, एक है थ्रू होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी का मतलब वो कंपनी नहीं है जो आपने कंपनीज एक्ट में पढ़ा, ठीक है, होल्डिंग कंपनी नॉट एज पर कंपनी लो, कंपनी लो वाली होल्डिंग कंपनी नहीं है, ठीक है, कंपनी लो वाली होल्डिंग कंपनी नहीं है। इसे होल्ड को कंपनी भी बोला जाता है, होल्ड को, होल्ड मतलब होल्डिंग से होल्ड निकाल दिया, कंपनी से सीईओ निकाल दिया, होल्ड को भी बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है, होल्ड को। दूसरा है थ्रू एसपीवी, थ्रू एसपीवी, याद है आपको, स्पेशल पर्पस व्हीकल, बताना अगर किसी को याद हो तो, स्पेशल पर्पस व्हीकल, ये आपने टर्म पढ़ी हुई है, ये आपने टर्म पढ़ी हुई है। तो रियट क्या कर सकता है, रियट इन्वेस्ट कर सकता है डायरेक्टली, और रियल इन्वेस्ट कर सकता है इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली किसके थ्रू, होल्डिंग कंपनी के थ्रू या होल्ड को कंपनी के थ्रू, और दूसरा एसपीवी के थ्रू। अब होल्डिंग कंपनी का मतलब यहां पे क्या है, होल्डिंग कंपनी का मतलब वो जिसने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट होल्ड कर रखी है, ठीक है, होल्डिंग कंपनी का मतलब क्या बता रहा हूं, वो कंपनी जिसने रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट को होल्ड कर रखा है, यानी वो कंपनी जिसने रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर रखा है उसकी बात कर रहे हैं। उसे नाम क्या दिया गया, होल्डिंग कंपनी का नाम दिया गया, उसे क्या नाम दिया गया, होल्डिंग कंपनी का या होल्ड को कंपनी का नाम दिया गया है। और ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या कर सकता है, जो पैसा कलेक्ट हुआ है यूनिट सेल करके, उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकता है होल्ड को कंपनी में, क्योंकि होल्ड को कंपनी भी वो है जिसने इन्वेस्ट कर रखा है रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में। यानी या तो डायरेक्टली रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करेगा या होल्ड को कंपनी के थ्रू, क्या करेगा, होल्ड को कंपनी के थ्रू इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। अब दूसरा क्या है, स्पेशल पर्पस व्हीकल, यस बहुत बढ़िया नेहा, स्पेशल पर्पस व्हीकल वो कंपनी या वो एलएलपी, ठीक है, यहां दो टर्म यूज की गई है, वो कंपनी या एलएलपी जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई गई है। क्योंकि हम क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पढ़ रहे हैं, तो यहां पे स्पेशल पर्पस क्या होगा, क्या होगा यहां पे स्पेशल पर्पस, इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट। तो ऐसी कंपनी या ऐसी एलएलपी जो किस लिए सेटअप की गई है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्ट करने के लिए बनाई गई है, उसकी बात कर रहे हैं। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या कर सकता है, होल्डिंग कंपनी के थ्रू इन्वेस्ट कर सकता है और एसपीवी के थ्रू इन्वेस्ट कर सकता है। डन, समझ में आया। पहली चीज, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकता है। दूसरी चीज, इनडायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकता है, किसके थ्रू, पहला होल्डिंग कंपनी के थ्रू और दूसरा एसपीवी के थ्रू। अब होल्डिंग कंपनी भी दो तरह से इन्वेस्ट कर सकती है, एक डायरेक्ट, ठीक है, मैं समझा रहा हूं साथ के साथ, देखो बहुत सारी चीजें, क्योंकि
होल्डिंग कंपनी भी डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकती है और होल्डिंग कंपनी इनडायरेक्ट भी इन्वेस्ट कर सकती है। इनडायरेक्ट कैसे? एसपीवी के थ्रू। मतलब होल्डिंग कंपनी ने एसपीवी में पैसा लगाया और एसपीवी आगे क्या करती है? इन्वेस्ट करती है रियल एस्टेट में। तो होल्डिंग कंपनी में आपको दो चीजें याद रखनी है। रीट में, यानी रीट में कितनी तरह की होगी? रीट में चार तरह की चीजें हो गई कि रीट ने या तो पहली चीज डायरेक्ट पैसा लगाया, दूसरी चीज होल्डिंग कंपनी में पैसा लगाया जिसने आगे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करी, तीसरा ऐसी होल्डिंग कंपनी जो आगे एसपीवी में इन्वेस्ट करेगी और एसपीवी आगे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेगी, और एक थ्रू एसपीवी इनडायरेक्टली। ठीक है, तो रियल एस्टेट यानी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट चार तरह से इन्वेस्ट करता है। अगर मैं सिंपल बोलूं तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की अगर मैं बात करूं, और अगर इसकी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट क्या है? पहली चीज डायरेक्टली, दूसरी चीज इनडायरेक्टली। अब इनडायरेक्टली में क्या होगा? थ्रू होल्ड को कंपनी जो आगे डायरेक्ट इन्वेस्ट करेगी, दूसरा थ्रू होल्ड को कंपनी जो आगे इन्वेस्ट करेगी एसपीवी में और एसपीवी आगे इन्वेस्ट करेगी, तीसरा थ्रू एसपीवी जो एसपीवी में इन्वेस्ट करेगी और एसपीवी इन्वेस्ट करेगा किसमें? रियल एस्टेट में। ठीक है, इसका मतलब होल्डिंग कंपनी बड़ी टर्म है, किससे? एसपीवी से। होल्डिंग कंपनी इसका मतलब क्या हुआ? बड़ी टर्म हो गई, किससे? एसपीवी से। एसपीवी उससे छोटी टर्म। अब ये होल्डिंग कंपनी का एग्जैक्ट क्राइटेरिया क्या है या एसपीवी बनने का एग्जैक्ट क्राइटेरिया क्या है, ये भी तो पढ़ना पड़ेगा। अब ये चीजें भी हमें पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो हमें देखो क्या क्या चीजें पढ़नी है। सर, सबसे पहले ट्रस्ट, क्योंकि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट का मतलब वो ट्रस्ट जो रजिस्टर्ड है। वो क्या है? जो रजिस्टर्ड ट्रस्ट की बात की गई है। ठीक है, दूसरा हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? दूसरा हमें स्पॉन्सर पढ़ना पड़ेगा, तो स्पॉन्सर का क्राइटेरिया होगा। तीसरा हमें मैनेजर पढ़ना पड़ेगा, इसका भी क्राइटेरिया होगा। चौथा हमें क्या पढ़ना होगा? हमें रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेंगी कि कैसी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पांचवा होल्ड को कंपनी का मतलब पढ़ना पड़ेगा। छठा एसपीवी का मतलब पढ़ना पड़ेगा। अभी तो धीरे धीरे टर्म्स और भी बढ़ेंगी, धीरे धीरे टर्म्स और भी बढ़ेंगी। मैंने कहा ना यहाँ पे क्या है? लिस्टिंग मैंडेटरी है। यहाँ क्या है? लिस्टिंग क्या है? मैंडेटरी है। तो लिस्टिंग के प्रोविजन भी पढ़ने पड़ेंगे, लिस्टिंग के प्रोविजन भी पढ़ने पड़ेंगे। इसका मतलब कुछ कुछ लाइक ICDR आएगा। ठीक है, बनावट को देख के अभी तक सर क्या कह रहे थे? म्यूचुअल फंड की तरह। ठीक है, अभी तक हम क्या कह रहे थे कि सर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी म्यूचुअल फंड की तरह है। म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अलग है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की स्ट्रेटजी सिंपल है कि ये रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, अब लिस्टिंग मैंडेटरी हो गई, इसका मतलब क्या होगा? लिस्टिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे, और लिस्टिंग के प्रोविजन कुछ कुछ कैसे हैं? ICDR जैसे हैं। इसका मतलब आपको ICDR भी आना चाहिए ये चैप्टर करने से पहले। ये चैप्टर करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए? सर ICDR के प्रोविजन पता होने चाहिए। क्यों? क्योंकि सर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इसमें भी मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग वाला क्राइटेरिया है, इसमें भी मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग वाला क्राइटेरिया है कि 25% पब्लिक के पास होना चाहिए। ठीक है, यहाँ भी वही मिनिमम पब्लिक क्राइटेरिया हो गया, यहाँ भी मिनिमम एप्लीकेशन साइज आएगा, अलॉटमेंट कितने दिन में करनी है, अलॉटमेंट कैसे करनी है, बहुत सारे प्रोविजन ICDR जैसे निकलेंगे। तो इसका मतलब इस चैप्टर के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? ICDR की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर आपने ICDR नहीं पढ़ा है तो पहले ICDR पढ़ लेना, क्योंकि ICDR के बाद ही समझ में आएगा। मैं पहले कह रहा हूं ये जो चैप्टर है ना रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये तो अच्छा सिंपल है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जब आप इनविट पढ़ेंगे
तो ये जो इनविट अगला चैप्टर है ना आपका, यहाँ तो प्रेफरेंशियल इशू भी पढ़ाया जाएगा, यहाँ तो प्रेफरेंशियल इशू तक भी पढ़ाया जाएगा, यानी आपको आईसीडीआर की नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए। अगर आपके आईसीडीआर के प्रोविजन क्लियर है तो आपके लिए ये चैप्टर ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा, बहुत आसान सा चैप्टर रहेगा। क्यों? क्योंकि बेसिक सी टर्म है। क्या है? बेसिक सी ही टर्म्स है, ज्यादा टर्म्स यूज नहीं की गई है, और बहुत इजी सा चैप्टर बनाया गया है कि कैसे इन्वेस्टमेंट करोगे, कैसे अलॉटमेंट करोगे और ये सारी चीजें। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन पढ़ना पड़ेगा। किसके पास? सेबी के पास। तो याद है ना कि म्यूचुअल फंड का स्पॉन्सर तब तक क्या नहीं कर सकता, यूनिट इश्यू नहीं कर सकता म्यूचुअल फंड की, जब तक क्या ना हो जाए, म्यूचुअल फंड रजिस्टर्ड ना हो जाए। किसके पास? सेबी के पास। इसी तरह यहां पे भी स्पॉन्सर क्या नहीं कर पाएगा, यूनिट इश्यू नहीं कर पाएगा, जब तक क्या ना हो, जो रीट आपने बनाया है वो रजिस्टर्ड ना हो। किसके पास? सेबी के पास। इसका मतलब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। किसके पास? सेबी के पास। और सेबी के पास अगर रजिस्ट्रेशन कराना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोसीजर फुलफिल करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट फाइल करने पड़ेंगे, सेबी चेक करेगा सही है नहीं है, इन्वेस्टर का ट्रैक रिकॉर्ड, स्पॉन्सर का ट्रैक रिकॉर्ड देखेगा, ऑलरेडी कितनी इन्वेस्टमेंट करी गई है, सारे क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद कहीं जाके आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। फिर वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद क्या दूसरा काम स्टार्ट होगा? दूसरा काम स्टार्ट होगा इशू ऑफ यूनिट्स एंड लिस्टिंग। ठीक है, यहाँ पे आपको राइट्स वगैरह भी पढ़ने हैं। किसके राइट्स? ये जो इन्वेस्टर आएगा इसके राइट। डिस्क्लोजर्स पढ़ने हैं कुछ, कि क्या कुछ डिस्क्लोजर्स आपको करने हैं। ठीक है, तो इस तरह से ना बहुत सारे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में, लेकिन कुछ टॉपिक जैसे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज म्यूचुअल फंड वाले में भी थी, लेकिन वहां हमने ज्यादा फोकस नहीं किया। याद है ना, एक टॉपिक था जो सबसे लास्ट में मैंने लगभग आई थिंक सबसे लास्ट में कराया था कि एक म्यूचुअल फंड दूसरे म्यूचुअल फंड की कितना परसेंट इन्वेस्ट कर सकता है, एक म्यूचुअल फंड कितनी डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकता है, कि ऐसी एक कंपनी में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितनी हो सकती है। इस तरह के एक टॉपिक थे जो बिल्कुल लास्ट में कराए थे, क्योंकि मैंने कहा था ये ज्यादा कंफ्यूजिंग टाइप। सेम टॉपिक यहां पर भी है कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इन्वेस्ट करेगा किसमें? रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में। अब रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज भी तो समझनी है ना, कौन कौन सी होंगी। अब क्योंकि देखो, सिर्फ रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना तो ऐसे थोड़ा कि सारी प्रॉपर्टीज रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज होंगी, नहीं होंगी, ऐसा नहीं है। तो रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज पहले पढ़ना पड़ेगा, फिर रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में भी कैटेगरीज निकलने वाली है। कैसे कैटेगरीज निकलने वाली है? ओनरशिप है क्या, रेंटेड प्रॉपर्टी है, लीज पे प्रॉपर्टी है, वहां से क्या इनकम जनरेट होने वाली है। तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी समझनी है कि कितना परसेंट कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, अपनी इन्वेस्टमेंट का कितना परसेंट। तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में दो चीजें दी गई कि 80% तो रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना है, 20% इन्वेस्टमेंट अदर भी हो सकती है, लेकिन होना चाहिए उनका कनेक्शन रियल एस्टेट के साथ ही। ठीक है, 20% अदर है, 80% रियल एस्टेट में ही इन्वेस्ट करना है। 20% अदर मतलब किसी दूसरे की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दिया जो रियल एस्टेट सेक्टर में है, या अलग अलग चीजें आएंगी जहां पढ़ोगे कि वो चीजें क्या है, तो ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज आएगी। फिर आपको याद है ना, म्यूचुअल फंड क्या डिस्ट्रीब्यूट करता था? म्यूचुअल फंड क्या डिविडेंड देता था? नहीं, म्यूचुअल फंड के केस में कहते थे सर रिटर्न देता है, हालांकि आप इसे डिविडेंड टर्म्स में भी डिनोट कर सकते हैं कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को जो कमाता था उससे क्या देता था, रिटर्न देता था या डिविडेंड देता था। तो ये भी तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये भी तो डिस्ट्रीब्यूट करेगा क्या? ये जो इसने प्रॉफिट कमाया है, ये जो रिटर्न है, ये भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो डिस्ट्रीब्यूट का भी प्रोविजंस आपको पढ़ने हैं कि कितने परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, कितने परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, कितनी रिटर्न दी जाएगी, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है,
अब देखो, अगर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ने होल्डिंग कंपनी होल्ड को कंपनी या होल्डिंग कंपनी में इन्वेस्ट किया, इसने आगे प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया, तो इनकम किसने कमाई? इनकम आई इसकी। अब क्योंकि रीट ने इन्वेस्ट कर रखा है, यानी शेयर वगैरह खरीद रखे हैं होल्ड को कंपनी के, तो होल्ड को कंपनी कितना परसेंट रीट को देगी? तो साफ लिखा गया कि 90%, यानी होल्ड को जितना भी कमाएगी उसका 90% क्या दे देगी? रिटर्न दे देगी होल्डिंग। ये रियट भी जितना कमाएगा उसका 90% सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद 90% डिस्ट्रीब्यूट करना है, अपने पास रखना ही नहीं है, अपने पास रखना ही नहीं है। आपको अपनी नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम का 90% डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो इन्वेस्टर को तभी तो फायदा होगा ना कि जब उसे रिटर्न अच्छी खासी मिलेगी, वो रिस्क क्यों लेगा रियल एस्टेट, सिर्फ रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करने का? बास्केट में, हम कहते हैं ना हमेशा जब सिक्योरिटी लो पढ़ते थे तो मैं क्या कहता था, बास्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। बास्केट मतलब जिसमें अलग अलग तरह के हो, किसी एक में लो दूसरे से प्रॉफिट से कवर हो जाए। अब ये तो सिर्फ रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करेगा अलग अलग तरह की, तो रिस्क फैक्टर थोड़ा सा ज्यादा लगता है यहाँ पे, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर वैसे तो देखो ग्रो ही करता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सिमिलर लाइन में ग्रो करे। तो ऐसे में वो क्या कह रहे हैं, ये सिंपल सी चीज कह रहा है कि जितना इनकम कमाएगा रियट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एसपीवी को भी अपना 90% किसको देना पड़ेगा? रियट को ही रिटर्न के तौर पे देना पड़ेगा, और रियट 90% को क्या कर देगा? डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट भी आपको पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर में कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है इनकम का, ठीक है? और अगर मान लो सेल करनी हो प्रॉपर्टीज, सेल करी हो प्रॉपर्टीज, तो सेल जो प्रॉपर्टीज आपने करी है ये करने के लिए आपको क्या चाहिए? अप्रूवल चाहिए। कुछ केसेस में, कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे आपको प्रॉपर्टी सेल करने से पहले, यानी जो आपने रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, इन्वेस्ट किया हुआ है, उनको बेचने से पहले आपको यूनिट होल्डर की परमिशन लेनी पड़ेगी। कुछ क्राइटेरियाज हैं जो आपको क्या करने पड़ेंगे, सेटिस्फाइड करने पड़ेंगे, ठीक है? और यहाँ पे एक टर्म आएगी स्ट्रेटजिक इन्वेस्टर, एक लास्ट टॉपिक है बिल्कुल स्ट्रेटजिक इन्वेस्टर, ठीक है? वो पढ़ेंगे हम कौन होगा, उसकी मिनिमम क्या क्राइटेरिया होगा, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से चीजें रहेंगी। आज की क्लास में हम सिर्फ बेसिक पे ही कंटिन्यू करेंगे, और सिर्फ पहला एक आध पेज ही पढ़ेंगे बेसिक का, जो इंट्रोडक्शन में बता रहा है, और दूसरा जनरिक जो ये बता रहा है कि कब आया है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन इंडिया में, वर्ल्ड वाइड कब आया था, ये सारी चीजें, और इंडिया में कितने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट काम कर रहे हैं, सिर्फ आपको एक बेसिक सा आज की क्लास में बताएंगे, ठीक है? सिर्फ बेसिक सा, उससे ज्यादा नहीं बता रहा हूं मैं आज। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या है सर? एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर रहा है, इन्वेस्ट इन रेंट यील्डिंग कंप्लीटेड रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज, ऐसी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज जो कंप्लीट है, यानी जिनकी कंस्ट्रक्शन नहीं चल रही है, और जहां से रेंट की इनकम जनरेट हो रही है, जिनके पास पोटेंशियल है ट्रांसफॉर्म करने का इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर को। रियट हेल्प अट्रैक्टिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फ्रॉम डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन सोर्सेज। रियट क्या कर रहा है, रियट अट्रैक्ट कर रहा है कि लोग क्या कर सके, इन्वेस्ट कर सके। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड जैसे सेफ माना जाता है, वैसे ही रियल एस्टेट उतने लेवल तक सेफ माना जा रहा है। इसकी वजह से फंड अवेलेबल ज्यादा होगा रियल एस्टेट डेवलपर्स को, और रिड्यूस हो जाएगा उनके ऊपर बर्डन ऑन कंप्लीटिंग एसेट बाय अलाउंग ओनर ऑफ सच एसेट टू रेज कैपिटल फ्रॉम इन्वेस्टर अगेंस्ट इश्यू ऑफ द यूनिट। फर्दर इन्वेस्टर के लिए क्या फायदा है, एक नया इन्वेस्टमेंट व्हीकल मिल गया उन्हें मार्केट में, जो स्पेसिफिकली कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में ही इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है? ये आपको सिंपल सा टॉपिक पढ़ाया गया है। अब नीचे अगर आप आओगे तो एक टॉपिक दिया गया, हाउ डज ए रीट वर्क। तो मैंने आपको समझा दिया कि रीट कैसे काम करता है, रीट ट्रस्ट की फॉर्म में बनाया जाता है, वो ट्रस्ट यूनिट इशू करता है, उसके बदले में पैसा रेज करता है, और उस पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली बता दिया मैंने आपको कैसे, होल्ड को कंपनी के थ्रू, एसपीवी के थ्रू इन्हें क्या किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है। तो रीट क्या कर रहा है, रेज कर रहा है फंड, और इसे डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहा है, क्या करने में,
इनकम जनरेटेड रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में, जैसे ऑफिसेज, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, शॉपिंग सेंटर्स, होटल, वेयर हाउसेज, रीट ट्रस्ट की फॉर्म में है। ये ट्रस्ट क्या है, लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे और इन्वेस्टर बाय कर सकता है यूनिट इन द ट्रस्ट। दस एसेट और रीट आर हेल्ड बाय इंडिपेंडेंट ट्रस्टी ऑन बिहाफ ऑफ यूनिट होल्डर। हाँ, एक टर्म हम भूल गए कि ट्रस्ट है तो ट्रस्टी भी आएगा, ट्रस्ट है तो ट्रस्टी भी आएगा। तो इसका मतलब तीन लोग हो गए, स्पॉन्सर, मैनेजर, ट्रस्टी। स्पॉन्सर, मैनेजर, ट्रस्टी, तीन लोग हो गए जो इन्वॉल्व। ठीक है, अब क्या दिया गया है, देखो, रीट मार्केट स्टार्टेड इन यूएस इन 1960। यूएस में 1960 में स्टार्ट हुआ, फॉलोड बाय ऑस्ट्रेलिया इन 1970। फ्रॉम द लेट 90s एंड पर्टिकुलरली अर्लियर 2000, एशियन गवर्नमेंट ने भी क्या कर दिया, पास कर दिया लेजिस्लेशन जो अलाउ कर रहा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीट, गिविंग टैक्स कंसेशन विच रेप्लीकेट द टैक्सेशन ट्रीटमेंट ऑफ रीट ग्लोबली, इंक्लूडिंग द पर्टिकुलर द यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया। तो रीट मार्केट वर्ल्ड वाइड कब स्टार्ट हुई आपको पता चल गया। अब बात इतनी है कि इंडिया में कब स्टार्ट हुआ, क्योंकि फॉरेन में तो बहुत से पहले स्टार्ट हो जाती है, हमारे इंडिया में कब स्टार्ट होते हैं हमें इस चीज के मायने ज्यादा याद रखने। तो यही दिया है कि रीट इमिनेटिंग इन यूएसए इन 90s एज ए टैक्स ट्रांसपेरेंट कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल, रीट हैव सब्सिक्वेंटली बीइंग यूज्ड बाय सेवरल अदर कंट्रीज। सेबी ने इंट्रोड्यूस किया रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड पर्सन टू रिकमेंडेशन ऑफ AMFI, ऑल इंडिया म्यूचुअल फंड एसोसिएशन था ना, तो उनके रिकमेंडेशन पे 2008 में भी क्या आई थी, रेगुलेशन ड्राफ्ट हुई थी, बट उस टाइम पास नहीं हो सकी किसी रीजन की वजह से। इन 2013 ए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वाज वंस अगेन पुट ऑन पब्लिक डोमेन। आफ्टर टेकिंग इंडस्ट्री इनपुट, रिकमेंडेशन टू द रेगुलेशन वर मेड एंड ड्राफ्ट वर अप्रूव्ड पोस्ट द क्लैरिफिकेशन प्रोवाइडेड द बजट। सेबी ऑन 26 सितंबर 2014 फाइनली नोटिफाइड फाइनल रेगुलेशन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं रियट रेगुलेशन 2014। ठीक है, क्या नाम रखा गया, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन 2014। अब ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने 2021-22 के बजट में बोला था, अलाउ डेट फाइनेंसिंग टू रीट बाय फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर टू ईज एक्सेस ऑफ फाइनेंस टू द रीट एंड ऑग्यूमेंट द फंड्स फॉर रियल एस्टेट सेक्टर। इन्हें क्या अलाउ किया गया कि ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर से डेट फाइनेंसिंग यानी डेट रेज कर सकते हैं और पैसा लगा सकते हैं, सो दैट इनके पास फंड की अवेलेबिलिटी हो। ऑल्सो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड ईज ऑफ कंप्लायंस, डिविडेंड पेमेंट टू रियट हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टीडीएस। अब रियट ने क्या किया, मान लो रियट ने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया है, वो कंपनी रियल एस्टेट सेक्टर, फॉर एग्जाम्पल डीएलएफ टाइप ऐसे कुछ इन्वेस्टमेंट कर दी, तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट किया ना जिस कंपनी में, जो कंपनी रियल एस्टेट सेक्टर की है, तो इस कंपनी से रियट को क्या मिला, डिविडेंड मिला, तो डिविडेंड एग्जम्प्ट है किससे, टीडीएस से। तो ये क्या दी गई, बेसिकली दो बेनिफिट दिए गए 2021-22 के बजट में, किस चीज को लेके, रीट को लेके, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को लेके। रीट इन इंडिया क्या करेगा, वुड इश्यू सिक्योरिटीज दैट इज यूनिट, जो किस पे लिस्टेड होंगे, स्टॉक एक्सचेंज पे। रीट इन्वेस्ट करेगा कंप्लीटेड कमर्शियल रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एसपीवी के थ्रू। इनिशियली रीट जो अवेलेबल है सिर्फ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन को अवेलेबल है टू डेवलप द मार्केट, लेकिन धीरे धीरे ये अवेलेबल हो जाएंगे किसके लिए, रिटेल इन्वेस्टर के लिए भी। मतलब फिलहाल अगर मैं ये कहूं कि फिलहाल जो रीट की अवेलेबिलिटी है वो किसके पास है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन के पास है, लेकिन धीरे धीरे ये अवेलेबल हो जाएगा किसके लिए, रिटेल इन्वेस्टर के लिए भी। तो ये आपको क्या दिया गया, बेसिक दिया गया है, क्योंकि बेसिक में ज्यादा कुछ होता नहीं है तो इसीलिए बोरिंग सा भी लगता है। अब डेवलपमेंट ऑफ रियट इन इंडिया, इंडिया में रियट कितने हैं या इंडिया में अभी तक कितने रियट स्टार्ट हो रखे हैं, तो 2014 में आया था, रेगुलेशन का नाम आपको पता है और किस फॉर्म में सेटअप किया जाता है, ट्रस्ट की फॉर्म में सेटअप किया जाता है, ये आपको पता है। अब ये रियट मार्केट दी गई है जो बेसिकली आपको सिर्फ पढ़नी है, क्योंकि इसके बारे में पूछा नहीं जा सकता कि इंडिया की रियट मार्केट के ऊपर बताओ या बताओ कौन कौन सी कंपनी है, तो नहीं, आई थिंक तो नहीं पूछा जा सकता, तो इसीलिए सिर्फ पढ़ने का टॉपिक है कि इंडिया में फिलहाल तीन ऐसे हैं, सॉरी चार
रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रजिस्टर्ड है इंडिया में। इंडिया में कितने हैं? चार रजिस्टर्ड है। इंडिया में क्या है? चार रजिस्टर्ड है एज ऑन मार्च 31, 2021 के हिसाब से। एम्बेसी ऑफिस पार्क रियट, माइंड स्पेस बिजनेस पार्क रियट, ब्रुक फील्ड रियट और IIFL रियट। इंडिया में फिलहाल चार रजिस्टर्ड है, जिसमें से दो के बारे में आपको पढ़ाया गया है, दो के बारे में नहीं पढ़ाया गया। एम्बेसी ऑफिस पार्क रियट फर्स्ट रियट है जो लिस्टेड है ऑन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज इन 2019। देखो 2014 की रेगुलेशंस हैं, लेकिन पहला रियट इंडिया में 2019 में आया है। क्यों? क्योंकि तब तक मार्केट दिखी ही नहीं किसी को कि क्योंकि और मोदी गवर्नमेंट आने के बाद आपको पता है ना प्रॉपर्टीज के दाम डाउन हुए थे, तो उस टाइम तो वैसे ही नहीं सेटअप करने का सोचा किसी। आईपीओ आया था क्योंकि लिस्टिंग है तो यहाँ पे इनिशियल पब्लिक ऑफर ही आएगा। कितने का? और रेज किया गया 47.5 बिलियन। अब मैं एक चीज बता दूं, मिनिमम ऑफर साइज, यानी अगर आईपीओ लेकर आओगे तो मिनिमम जो ऑफर साइज होगा वो 250 सीआर का होगा। यानी अगर आपको लिस्ट करना है तो 250 करोड़ मिनिमम रेज करने हैं, मिनिमम रेज करने हैं 250 करोड़। इससे कम का आईपीओ नहीं हो सकता। ये आगे जाके आप पढ़ोगे कि मिनिमम ऑफर साइज कितना है, 250 सीआर का। अब ये जो एम्बेसी ऑफिस पार्क रियट है ना, ये भी इंडिया का अकेले का नहीं है। ये क्या है? यूएस बेस्ड प्राइवेट इक्विटी ब्लैकस्टोन ग्रुप LLP एंड बेंगलुरु बेस्ड डेवलपर एम्बेसी प्रॉपर्टीज डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड का। इसीलिए नाम क्या दिया गया? एम्बेसी ऑफिस पार्क रियट। ठीक है, कंपराइजिंग ए पोर्टफोलियो। जैसे इन शुरुआत की बात कर रहे हैं, शुरुआत में इनके पास क्या हो गया? 7 ऑफिस पार्क एंड 4 ऑफिस बिल्डिंग एंड ऑफरिंग एन इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन येल्ड ऑफ 8.25% एट ए शार्प प्राइस शूट अप सम 34% इन फर्स्ट 6 मंथ। कि ये जो आईपीओ जो पहला रेट आया था ये बहुत सक्सेसफुल रहा था, इसने स्टार्टिंग में ही 8% की रिटर्न भी दे दी और इसका जो प्राइस था वो भी क्या हो गया, जितने भी इसने इशू किया था वो वहां से 34% पहले 6 महीने में ही शूट अप हो गया, इतनी परसेंट रिटर्न ये दे गया। तो ये थोड़ा सा उसके बारे में बता रहे। दूसरा माइंड स्पेस पार्क रियट, ये भी 2019 का है, मेकिंग इट द सेकंड रियट टू अटेम्प्ट ए लिस्टिंग ऑन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। ये भी अकेले का नहीं है, ये भी ओन बाय दो ही है, बाय के रहेजा कॉरपोरेशन एंड ब्लैकस्टोन ग्रुप LP। ब्लैकस्टोन तो वही है और एक नया ग्रुप इन ऐड किया गया। माइंड स्पेस बिजनेस पार्क रियट आईपीओ कंक्लूडेड इन अगस्त 2020 थ्रू विच द कंपनी रेज्ड 4500 करोड़। 4500 करोड़ रेज किए। ठीक है, और तीसरा है ब्रुकफील्ड। ब्रुकफील्ड आपको पता है ना, ये वो है जो आपका एक बड़ा इन्वेस्टर है ना, क्या नाम है, नाम भी दिमाग से निकल गया। ठीक है, कोई नहीं, वो जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर कहा जाता है ना, मार्केट का सबसे बड़ा इन्वेस्टर, उनकी कंपनी का नाम ब्रुकफील्ड है। तो ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट एंड IIFL रियट आर आल्सो रजिस्टर्ड विद सेबी। अभी तक इनका आईपीओ आई थिंक नहीं आया है, इनका आना है। ये रजिस्टर्ड तो हो गए, तो रजिस्ट्रेशन से एक टाइम मिलता है, कितने टाइम में आप क्या लेकर आ सकते हो, आईपीओ लेकर आ सकते हो। तो इनको एक टाइम दिया गया था शायद, तो ये तैयारियों में लगे होंगे, उसी हिसाब से ही अपना लेकर आएंगे क्या आईपीओ। इंडिया गया 31st कंट्री है वर्ल्ड में इनेक्ट करने वाली क्या रियट लेजिस्लेशन, फॉलोड एक्शन बाय सेबी इन 2014। और ये आपको फाइनली दिया गया है कि कितने रियल एस्टेट इंडिया में रजिस्टर्ड है। डिटेल ऑफ रियट ये वही दिया गया है कि 2019-20 में जहां 3 थे वहां अब 4 है, जिसमें से लिस्टेड 2019-20 में सिर्फ 1 था, 2021 में 3 हो गए हैं। फंड कितना रेज किया गया है? 19-20 में कुछ नहीं रेज हुआ था और यहाँ इतना फंड रेज हो चुका है, और नेट एसेट वैल्यू जो 19-20 में इतनी थी वो आज इतनी हो चुकी है। डन। तो ये आपको बेसिकली यहीं तक मुझे कराना था, कल आगे करेंगे डिफरेंस क्या है या रियट का स्ट्रक्चर क्या है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। एक बेसिक मैंने आपको करा दिया है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या है, कल से करेंगे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे, कुछ टॉपिक्स आगे करेंगे कि कौन इन्वॉल्व है, कौन इन्वॉल्व नहीं है, कैसे यूनिट रेज होंगी, कैसे इन्वेस्टमेंट की जाएगी, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम करेंगे। कल बेसिकली हमारा जो रहेगा वो डेफिनेशंस पे ज्यादा फोकस रहेगा, होल्ड को कंपनी क्या है, SPV क्या है, स्पॉन्सर क्या है, स्पॉन्सर का ग्रुप क्या है। ट्रस्ट तो आपको पता ही है, सिंपल है, उसमें कुछ ऐसा है नहीं।
ट्रस्टी कौन बन सकता है, कौन नहीं बन सकता, ये सारी चीजों पे हम कल फोकस करेंगे, सो दैट आगे आने वाली टर्म्स हमें इजीली क्लियर हो। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल 8:45 के अराउंड, नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे कल, मतलब कल कुछ आगे चीजें स्टार्ट करेंगे, आज के लिए इतना ही।